here with the editor, Mr. Rajendra Tripathi, who will be telling us the facts about Varanasi, why is it known, what are the current status and what are the upcoming plans for Varanasi, yani Hindi mein Varanas. So, Rajendra sir, sabse pehle to aap hume ye bataye ki aap Amar Ujala ke sath kab se associated hain, kya aapka tenure raha hai sir. Phir we move on to the details about Varanasi sir. क्योंकि आपसे बेटर कोई नहीं होगा जो हमें बता पाएगा कि क्या है. नहीं, मैं यूँ कहूँ कि मैं सक्रिय पत्रकारिता में पिछले 35 साल से हूँ और अमर उजाला में मैं 1986 से काम कर रहा हूँ. बनारस में मैं मार्च 2016 में मैं आया था आगरा से ट्रांसफर होकर के. तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि अभी 1.25 साल दिखते हैं. बनारस जगत विख्यात प्राचीन शहर है और इसका हिंदू मैथोलॉजी में बहुत बड़ा महत्व है जी. बौद्धिस्ट का ये गढ़ रहा है. कबीरदास जैसी शख्सियत ने यहाँ जन्म लिया और उनकी एक अलग उन्होंने परंपरा को कायम किया. सगुण साकार और निर्गुण निराकार के स्तंभ रहा है ये शहर. काशी के घाट जो 24 आवर्स लाइव रहते हैं. हिंदू मैथोलॉजी में ये कहा जाता है कि सनसेट के बाद अंतिम संस्कार नहीं होता है. शायद हिंदुस्तान में कोई दूसरा उदाहरण हो जहाँ पर 24 आवर्स अंतिम संस्कार अंतिम क्रिया होती है. बनारस को छोड़ बनारस में आपको आधी रात भी अगर पहुँचेंगे तो आपको बनारस में अंतिम क्रिया की जा सकती है और यह माना जाता है कि उसको सीधे मोक्ष मिलता है, सीधे स्वर्ग मिलता है. मतलब यहाँ कभी रुकता नहीं. मेरा नेक्स्ट सवाल सर आपसे ये है कि श्री मोदी जी ने यहाँ से स्वच्छ भारत मिशन का शुरुआत की थी 80 साल से, तो उनकी लास्ट 3 ईयर्स क्या डेवलपमेंट हुआ है सर स्वच्छ भारत मिशन के ऊपर? देखिए ये जो भी प्राचीन शहर हैं चूँकि वो नदियों के किनारे हैं तो काफ़ी वो उनका जो आबादी का जो घनत्व है वो बहुत ज़्यादा डेंस है. उसके कारण जो है वो बहुत ज़्यादा साफ सफाई नहीं हो पाती रही है. आप कहीं भी किसी पुराने शहर में चले जाएं, आप उज्जैन चले जाएं या खंडवा में रामेश्वरम और चले जाएं तो हरिद्वार चले जाएं. लेकिन 3 सालों में जब यहाँ से स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की तो मुझे यहाँ 1 साल हुआ है और मैं 1 साल में लोगों को बदलते देखा है कि बदल रहा है. पहले कहते हैं काशी इससे ज़्यादा गंदी थी जी, लेकिन ये काशी की बात नहीं है. ये बाकी दीगर इलाकों में जैसे उन्होंने शौचालयों के का एक मिशन शुरू किया कि माताएं बहनें खेतों में जाती हैं, खुले में जाती हैं, तो पूरे जिले को या यूँ कहें कि हमारी जो वाराणसी यूनिट है हम यहाँ से 10 जिले देखते हैं जी. तो 10 जिले 3 कमिश्नरी और उसमें काफ़ी स्थिति में सुधार होना शुरू हुआ है. कई गांव तो खुले में जो शौच का था वो सब मुक्त हो चुके हैं. हर घर के दरवाजे पर सामने मकान पर अंदर जो है लोगों ने शौचालय बनवा लिए हैं. बनारस में विश्वविद्यालय भी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी. बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि ये बहुत प्राचीन और बड़ा शिक्षा का केंद्र रहा है. और हम बात करें तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस यूनिवर्सिटी की स्थापना करी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की. और आपको जान के खुशी होगी कि अभी शताब्दी वर्ष समाप्त हुआ है जी. और अब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 101वें साल में चल रही है. लेकिन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अलावा एक बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र है. जैसे यहाँ पर काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी है, संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी है, तो एक बड़ा अध्यात्म केंद्र होने के साथ बड़ा शिक्षा का मंदिर है. सो दैट इज ऑल अबाउट वाराणसी फ्रॉम सर राजेंद्र सर हिमसेल्फ, हु बेटर कैन एक्सप्लेन अस अबाउट व्हाट वाराणसी इज एंड व्हाट इज द फ्यूचर फॉर वाराणसी. सो थैंक यू सो मच सर, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और बताया हमें कि वाराणसी क्या है और क्या प्लानिंग है. ठीक है, थैंक यू. थैंक यू.